जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जिन लोगों का अभी फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की जो आर्मी की परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये हैं ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। दोस्तों, वेंकैया नायडू वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और रामनाथ कोविंद ये हैं हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रपति ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है, 33 फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, गोवा की राजधानी है? तो दोस्तों, गोवा की राजधानी है पणजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। और जयपुर, जयपुर दोस्तों राजस्थान की है, रायपुर छत्तीसगढ़ की है, और गांधीनगर ये गुजरात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो दोस्तों, ये लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों, ये है स्पेन का, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला, ये दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री नाम किससे जुड़ा है? कन्याकुमारी से, अमेरिका से, आर्कटिक से, या अंटार्कटिका से? दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री जुड़ा है अंटार्कटिका से, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यह है थाईलैंड। अगला, ऑपरेशन ऑल आउट किससे संबंधित है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ, माओवादियों के विरुद्ध, देश में आतंकियों के विरुद्ध, या इसमें से कोई नहीं? दोस्तों, ऑपरेशन ऑल आउट ये संबंधित है जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग के दोस्त भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी वीडियो शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण किन किन देशों के मध्य युद्धाभ्यास होता है? कोंकण किन किन देशों के मध्य युद्धाभ्यास होता है? भारत रूस, भारत चीन, भारत इजराइल, या भारत और ब्रिटेन? दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दुनिया का कौन सा देश रक्षा बजट पर सर्वाधिक खर्चा करता है? रूस, फ्रांस, भारत, या फिर अमेरिका? दोस्तों, दुनिया का कौन सा देश रक्षा बजट पर सर्वाधिक खर्च करता है? तो यह है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी का किताब किसने जीता था? दोस्तों, ये जीता था रीता फारिया ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1949 में, 1949 में। दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 1969 में, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, 5 जून को तो आपको पता ही है पर्यावरण दिवस। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, 1576, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और ये 1757, तो 1757 में दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध, ठीक है, पलासी का युद्ध। और दोस्तों, ये भी आता है कि क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में, 1526, और किस किस के बीच हुआ था? तो हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। अगला है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, या फिर बैडमिंटन? तो
दोस्तों थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आजकल क्या होता है कि बहुत से बच्चे आर्मी की तैयारी सभी करते हैं, पर आजकल बहुत से बच्चे ये करते हैं कि फिजिकल के साथ साथ ही वो लोग रिटन की तैयारी भी कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी जब आप रनिंग करते हैं तो इसके साथ ही आप थोड़ी थोड़ी एक आध घंटा या कभी आधा घंटा एक घंटा अगर आप एक दो घंटे पढ़ लेंगे तो आपका रिटर्न आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों आजकल आपको पता होगा कि मेरिट अब पहले से थोड़ी हाई जाती है, पहले बहुत कम हो जाता था। तो आजकल दोस्तों अभी भी दोस्तों कहीं कहीं 150 नंबर पे भी हो जाता है, क्योंकि 200 नंबर का 200 नंबर से आपकी मेरिट बनती है दोस्तों, 200 नंबर से आपकी मेरिट बनती है। और फिजिकल में आपके 100 नंबर हैं, 60 दौड़ में फर्स्ट ग्रुप है, और 40 नंबर आपके बीम के हो गए ये, और बाकी रिटर्न के 100 नंबर में से। दोस्तों आप लोग भी पहले से अभी से तैयारी में लग जाइए, फिर आपको क्योंकि एक दो महीने मिलते हैं उनमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पहले से कर लेंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आप अच्छे नंबर वहाँ पर ला पाएंगे। अगला है लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो दोस्तों लीची का होता है एरिल, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अभिसारी लेंस होता है, अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पौधों में जैव पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो दोस्तों ये होता है जाइलम, जड़, तना या फ्लोएम। तो दोस्तों ये होता है फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम, थोड़ा फ्लोएम गलत लिखा दोस्तों, फ्लोएम इस तरह से लिखेंगे ठीक है, फ्लोएम। अगला है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, ये होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कटिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है। दोस्तों यह है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड होगा दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड नहीं होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको दोस्तों एक बार याद नहीं होता है तो आप एक दो बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला है मोनाजाइट किसका अयस्क है। दोस्तों मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से ऊष्मा का उत्तम चालक है, मैग्नीज, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। दोस्तों ऊष्मा का उत्तम चालक है यह है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कहाँ सा मिश्र धातु है तांबे और किसकी। दोस्तों तांबे और ये होती है टिन की, तांबा और टिन, ये कहाँ सा बनता है तांबा और टिन को मिला के, दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है पेंसिल का लेड किसका बना होता है। दोस्तों पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तीव्रता से, आयाम से, वेग से या फिर तरंग दैर्ध्य से। दोस्तों प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से, याद कर लीजिएगा दोस्तों तरंग दैर्ध्य। अगला है हेमाटाइट, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों हेमाटाइट अयस्क है लोहे का, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिनेबार दोस्तों पारा इसका होता है सिनेबार, ठीक है सिनेबार, ये भी पूछ लेता है। अगला है निम्न में से ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती। दोस्तों ध्वनि गमन नहीं कर सकती वायु में, तो वायु में तो ठीक है, कांच, कांच में भी करती है, जल में भी करती है और निर्वात में नहीं करती। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है। अगला है निम्न में से वेग का मात्रक है न्यूटन। तो दोस्तों न्यूटन होता है बल का, न्यूटन, जूल, जूल प्रति सेकेंड। दोस्तों वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसीबल में, डेसीबल में, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इंडियन आर्मी की तैयारी से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो पहले से मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिए। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में आकर भी इंडियन आर्मी संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होंगी, आपका रिटर्न आसानी से निकल जाएगा दोस्तों ठीक है।
अगला है, अगला और अंतिम क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था डार्विन ने, डार्विन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, अपना स्कोर कमेंट कीजिए, आपने 30 में से कितने सही किए, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद।